ट्रेन वेट करो मंदिर राम राम मेरे सभी भाइयों को मेरे सभी देशवासियों को सुबह की राम राम। मैं अंकुर राणा जितनी मेरी बौद्धिक क्षमता है उसके हिसाब से आज मैं आप लोगों के बीच में अपना एक छोटा सा पहलू लेकर के आया हूँ। जितनी मेरी रिसर्च है जितनी मेरी सोच है समझने की क्षमता है उसके हिसाब से हो सकता है मैं गलत हूँ। भाइयों अभी दो दिन पहले हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े होनहार एक बहुत ज़बरदस्त कलाकार एक गांव से निकले हुए सबसे बड़ी बात है हम लोगों के लिए प्राउड फील करने वाली एक गांव का कलाकार जो एक गांव से निकला सीरियल में गया फिर बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री और टॉप 10 बॉलीवुड के एक्टर्स में जो शुमार हुआ बहुत कम समय में 34 साल की उम्र में वो सब कुछ अचीव कर गया। अचानक से उसको फांसी खा करके अपनी जान देनी पड़ी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन अपनी मौत के पीछे छोड़ गया वो कई सवाल, आखिर क्यों हुआ इसका ये हाल। तो भाइयों जैसे मैं भी इस मुद्दे को मतलब बड़े डीपली मैं देख रहा था, ये नहीं कि वो सुशांत सिंह राजपूत था, कुछ लोग कह रहे कि उसके नाम के पीछे राजपूत लगा हुआ था शायद वो इसलिए मतलब मार दिया गया, हो सकती है ये भी एक वजह, लेकिन मुझे नहीं लगता। बस मुझे एक ही वजह लगती है कि वो आउटसाइडर था, उसका कोई माई बाप बॉलीवुड में नहीं था, उसका कोई माता पिता कोई बैकग्राउंड बॉलीवुड से था ही नहीं। सबसे बड़ी बात है एक हम सबका फेवरेट है सलमान खान, आप सब उसके बारे में जानते हैं, वो जिसके पीछे पड़ जा बॉलीवुड में, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत लंबे समय से वो है, वो उसका करियर खराब कर दे जिसके पीछे पड़ जा। वो विवेक ओबरॉय का करियर खराब कर दिया उसने, जबकि हम सब जानते हैं विवेक ओबरॉय बहुत बढ़िया एक्टर है। अरिजीत सिंह के पीछे पड़ गया था, खैर उनके पास तो गला है अपना टैलेंट है बेचारे अपना कर खा लेंगे वो तो। तो सुशांत सिंह की मौत की जो वजह है सामने जो अब आ रही है वो ये है कि सलमान खान ने उसको धमकी दी थी उसका करियर चौपट करने की, और सुशांत सिंह को वो एक ड्राइव वेब सीरीज आई थी, सीरीज तो नहीं थी एक मूवी थी नेटफ्लिक्स पे, उसमें वो अपने किसी चहेते को मतलब उतारना चाह रहा था जबकि वो सुशांत सिंह के हाथ लगी। ज़बरदस्त फिल्में हिट दी सुशांत सिंह ने, छिछोरे मूवी बहुत बढ़िया रही, सब कुछ अच्छा रहा। छिछोरे मूवी के बाद सुशांत सिंह के पास जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, सुशांत सिंह के पास 7 फिल्में साइन थी, और धीरे धीरे सलमान खान ने प्रेशर बना करके, क्योंकि उसका प्रेशर है इस बात को भली भांति सभी जानते हैं, सारी फिल्में उससे छिनवा दी जिससे वो डिप्रेस हुआ। पहले तो मुझे लग रहा था शायद वो अपनी माँ की वजह से डिप्रेस था, लेकिन चलो जो भी है, लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं वो यही है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे बॉलीवुड का जो एक नस्ल भेदी जो कार्य करता है, जैसे कंगना राणावत के पीछे लोग पड़े थे, और कंगना राणावत ही एक ऐसी हीरोइन है जो उनके पेल करके हिट पे हिट देती है। तो मेरी आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है जो मैं मैसेज लेकर के आया, वो मैसेज ये है हम सबको, हमें ये देखना है कि बॉलीवुड ठीक है अपना कार्य करता है, बॉलीवुड में भी ऐसे लोग होने चाहिए जो हमारे धर्म के अगेंस्ट या अच्छे को प्रमोट ना करके गलत लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो हमारे पैसे से सब कुछ हो रहा है, तो क्यों हम अपना पैसा गलत जगह इन्वेस्ट करें। अगर हमें मूवी देखनी है तो क्यों ना हम कंगना राणावत की मूवी देखें, अगर हमें मूवी देखनी है क्यों ना हम अक्षय कुमार की मूवी देखें जिसका कोई माई बाप बैकग्राउंड जिसका नहीं था बॉलीवुड से, क्यों ना हम उन लोगों का स्टार बने जो लोग एक छोटे लेवल से छोटे शहर से उठ करके जाते हैं, क्यों हम सलमान खान का लड़का, सलमान खान की किस्मत इतनी बुरी है, वो इतना हरामी आदमी है, मतलब मैं दिल से वाकई उसे बहुत पसंद करने लगा था, लेकिन मेरे से एक जाट भाई ने एक बात कही थी एक दिन कि अंकुर ठीक है तू उसे पसंद करता है आदमी अच्छा लगता है तुझे, लेकिन वो दिखावटी आदमी है बहुत बड़ा, क्योंकि जब उसने वो पड़े थे ना फुटपाथ पे उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई थी, तो उनको अगर बीइंग ह्यूमन इसने बनाया था तो उनको आज तक इसने कोई सपोर्ट नहीं करी,
ये केवल ड्रामा है इसका। और इनके फर्जी पत्रकार भी ऐसे हैं कि वो कंगना रनावत ने एक वीडियो बनाई, उसने बिल्कुल सही कहा कि ये लोग ऐसे साबित कर देंगे आदमी को कि जैसे आप एडिक्ट हैं, ड्रग्स लेने लगे, आप जो है आप साइको हो चुके, इस तरीके की बातें, ऐसा र्यूमर आपके खिलाफ लिखना वहाँ, क्योंकि ये सब इनके दबाव में है, सब इनसे पैसा खाते हैं, जैसा वो कहेंगे वैसा वो लिखते हैं। तो मेरा कहना बस ये है कि आगे से ये धर्मा प्रोडक्शन यानी कि करण जौहर जिसे हम कहें, करण जौहर और एकता कपूर, सलमान खान, इन संबंधी कोई भी मूवी आवे ना, इसका बायकट करो, हम ही तो हैं ना बनाने वाले। अगर हम इनका बायकट करेंगे तो इनकी क्या मजा ले किसी साढ़े, इनकी औकात है फिर? इनकी कोई औकात नहीं है। शहर के लोग फिल्में हिट नहीं करते, फिल्में हिट करें गाँव के लोग। 75% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया गाँव में बसती है जो मूवियाँ देखती है इन लोगों की, और हम इनको हीरो बनाते हैं और फिर ही अपनी मनमर्जी करते हैं वहाँ। सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है ना, वो केवल एक आत्महत्या नहीं है, एक आदमी जो इंजीनियर है, जो रैंक थी जिसकी इंजीनियरिंग में, वो मतलब उसको ऐसा क्या हुआ होगा कि वो आदमी आत्महत्या कर गया बेचारा, अकेला भाई था वो अपनी बहनों का। कई बार तो यकीन, ऐसा नहीं कि मतलब मुझे कोई ये है कि बॉलीवुड का कोई हीरो मर गया मैं इस वजह से कह रहा, या वो एक राजपूत था इसलिए कह रहा, बात यह है कि वो हम जैसा था, गांव से निकला हुआ लड़का एक लेवल पे पहुंच गया, वो चीज इन लोगों को सहन नहीं हुई, ठीक है। और कुछ लोग कह रहे कि भाई पद्मावत के टाइम उसने जो नाम के पीछे से राजपूत हटा लिया था, तो भाई ऐसे तो हमारे बहुत नेता भी हैं, हम फिर भी उनके पीछे लगे रहे, जो है जिन्होंने करणी सेना खिलाफ बयान दे देते, हमारे समाज के खिलाफ बयान दे देते, ये भी कह देता कि भाई ऐसे लोग जो हैं, ये जो बंसाली को जिन्होंने पिटा ये गलत है, पद्मावत का विरोध बिना देख के नहीं करना चाहिए, ऐसे तो बहुत लोग हैं। और वो तो फिर भी उस इंडस्ट्री का था, फिर भी उसने दो चार दिन बाद फिर दोबारा राजपूत लगा लिया था, तो इस बात की पॉजिटिविटी भी तो लो कि उसने बेचारे ने फिर भी राजपूत अपने नाम के साथ लगा लिया था, और वो था ही राजपूत, तो चाहे वो हटा ले नाम चाहे ना हटा ले, देखो हर आदमी अपनी रोटी पैसा भी देखता है, उन्हीं वे लोग खा गए ना उसे, आप लोग काम तो नहीं आए उसके। अगर उसने राजपूत लगा भी लिया था बाद में तो आप कितना काम आ गए उसके। तो कहने का मतलब ये, हर आदमी जो है इनका ट्विटर से लेके सोशल मीडिया पे इन सब का विरोध करो भाई, क्योंकि सच के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा। भले ही बॉलीवुड से हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम भी फिल्में देखते हैं, 150-200 का टिकट हम भी लेके मूवी देखने जाते हैं। तो बस मेरा इतना सा मैसेज है कि भाई बॉलीवुड में देखो जो गांव के लड़के जहाँ, उन्हें हमेशा आपने देखा होगा एक आउटसाइडर के तौर पे, एक आध फिल्में मिली और उसे अगर वो अच्छा भी कर रहा ना तो उसे बाहर फेंक दिया जा थोड़े दिन बाद। सलमान खान जिसे चाहेंगे उसे ला के तो हीरो बना देंगे, धर्मा प्रोडक्शन जिसे चाहेगा करण जौहर उसे ला के हीरो बना देगा, ठीक है। और जो आउटसाइडर होंगे उनकी वहाँ कोई वैल्यू नहीं है, ऐसी केवल कंगना रनावत है बेचारी, अक्षय कुमार है, जॉन अब्राहम है, इस टाइप के आदमियों को अपना प्रमोट करो ताकि उनकी आँख खुले कि आउटसाइडर की कितनी महत्ता है। और वो बिरादरी से कोई मतलब नहीं इन बातों का, सही के साथ सही और गलत के साथ गलत, जो सही है उसे सही समझ के हमें उसके साथ चलना, तो हम कुछ और तो कर नहीं सकते। लेकिन एक प्रोटेस्ट, एक आंदोलन हम जरूर कर सकते हैं सोशल मीडिया पे कि हमें जो है मतलब सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, वो कल कंगना रनावत के साथ ना हो, कल अक्षय कुमार के साथ ना हो, ठीक है। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि जिनकी मानसिकता छोटी है वो आत्महत्या कर ले, अरे जो आदमी अपनी हस्ती खेलती जिंदगी छोड़ के आत्महत्या की तरफ बढ़ा तो उसके दिल पे तो कुछ ऐसा कुछ बीतता होगा, मतलब उसे कुछ ऐसा तो लगा होगा कि उसमें सहन नहीं, वो चीज जिंदगी से अच्छी मौत लगी, इतना तो दिमाग होगा सोचने का। भाई हमसे तो वो ज्यादा ही समझदार था, वो एक लेवल पे था वो बेचारा, एक लेवल पे गया है, गांव से उठ के गया, इतनी स्ट्रगल करा जीवन में, सीरियल से शुरू करा, फिल्मों में आया, टॉप 10 हीरो में आ गया बेचारा, उसके बावजूद वो फिर आत्महत्या कर रहा, तो ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ़ था। तो बस मेरा हाथ जोड़ के सभी से एक रिक्वेस्ट है, वो चाहे किसी बिरादरी का, जो भी गाँव से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी समाज से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि समाज से जुड़े हुए लोग हमेशा गाँव से ही होते हैं, शहरों से कोई समाज से जुड़ना, उन्हें समाज से कोई मतलब होता, उन्हें केवल अपनी रोटी पानी से मतलब हो, हमें भी अपनी रोटी पानी से मतलब है, लेकिन हमें ये भी देखना कि सही और गलत क्या है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का भाई मैं देख रहा, हर आदमी को अफसोस है, जो समाज गांव से जुड़ा हुआ आदमी है हर किसी को अफसोस है, सब कोई रो रहा, कोई कुछ कर, जिसके जैसे भाव है अपने प्रकट कर रहा। तो बस भाई मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वो बेचारा इस दुनिया से गया
तो हमें उसके जाने के बाद एक क्रांति लेकर आनी, उस क्रांति में हम ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जितना हम उसे सपोर्ट कर सकें, जितना वहाँ का नेपोटिज्म है उसे हम मतलब पब्लिक के सामने ला सकें। सलमान खान, धर्मा प्रोडक्शन, टैली फिल्म्स, बालाजी टैली फिल्म्स, ये वो जितने बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, इन की औकात दिखावें। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दे देता, लेकिन मैं लाइव मुझे पता नहीं कैसा दिया जाए। स्क्रीनशॉट में साफ साफ लिखा हुआ है धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से शायद वो, कि इन्होंने उसे बैन कर दिया था भाई। बिल्कुल, वो केवल अब वेब सीरीज और सीरियल कर सकता था, वो डिप्रेशन में इसलिए मरा बेचारा। तो उसके पीछे कौन था? सलमान खान और एक करण जौहर जैसे गे, जिनकी सड़कों के गांव में जूते मारे, ऐसे आदमियों को थूकते नहीं इनकी तरफ। इन लोगों ने, ये लोग उसके हत्यारे हैं भाई। बस मेरा इतनी सी रिक्वेस्ट है, सब भाई अपनी तरफ से पोस्ट करो, लाइव करो, जो भी कुछ करना। और सबसे बड़ी बात है, ट्विटर पे जाके सब ट्विटर पे आओ, ट्विटर पे जो है इन्हें दोषी ठहराओ और इनकी मूवियों को बॉयकट करो। चाहिए कैसी मूवी लेकर है, बॉयकट देखनी ही नहीं हमें। हम मूवी देखेंगे, कंगना रनौत की देखेंगे, अक्षय कुमार सर की देखेंगे, जॉन अब्राहम की देखेंगे, हम उन लोगों की मूवी देखेंगे जिनका बैकग्राउंड कुछ है नहीं बॉलीवुड में। भाई सोशल मीडिया, ये तो तुम्हारी सोच है अभिषेक भाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया से ही सब कुछ चल रहा है आज की डेट में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है, सोशल मीडिया के माध्यम से तो केवल एक क्रांति आ सके। कहने का मतलब ये है, सोशल मीडिया के बाद हमें क्या करना है, हमें मेन पॉइंट हमारा जो है वो ये है कि हमें उनका बॉयकट करना, वो किसी भी तरीके से हो। हम हर वो मुमकिन कोशिश करें जिससे उन्हें आघात पहुँचे, जिससे उन्हें चोट पहुँचे मेरे भाइयों। तो बस मेरा एक छोटा सा मैसेज था, मेरा मन करा तो भाई मैं आप लोगों के बीच में लाइव आ गया, मैंने आपको बता दिया। बाकी आप सब समझदार हैं, सब बड़े छोटे भाई जितने भी देख रहे हैं, भाई दुख है हमें उसकी मौत का। इसलिए दुख है क्योंकि वो गांव का लड़का था एक, और स्ट्रगल करके जहां पहुंचा बेचारा, जो उसका सपना था उस सपने तक पहुंच के उस सपने का मजा नहीं ले पाया। और मजा किनकी वजह से ले पाए, दो चार गिने चुने आदमी हैं वहाँ जिन्होंने अच्छे अच्छे, और देखो इनकी सोच तो देखो, ये इन्हें कहना कंगना रनौत का, अगर कंगना रनौत ने एक बात कही कि संजय दत्त अगर एडिक्ट है वो तो इन्हें क्यूट लगता है, उसके बारे में कभी कोई गलत नहीं लिखने के, वो तो उसने इतना बड़ा क्राइम कर रखा, संजय दत्त ने इतना बड़ा क्राइम कर रखा, अगर वो सारा कुछ और होता ना तो जिंदगी भर जेल में सड़ता। लेकिन ये वो एक अच्छी फैमिली से था, मीडिया उसके सपोर्ट में था, तो इन लोगों ने से बचा लिया। 5 साल की सजा कुछ नहीं, 5 साल की हमारे यहाँ यूपी में सजा है ना, 5 साल की सजा, अगर किसी की अच्छी पैरोकारी ना हो तो झगड़े में हो जाए 5 साल की सजा। वो बहन जो 156 उसके घर से मिली, उसे 5 साल की सजा, और वो भी किस्तों में, कभी 2 महीने जेल काटे आया, कभी 15 दिन काटे आया, नू जेल काट गया वो। तो ये लोग जो है अपनी मनमर्जी कर रहे। कहने का मतलब यह है, हमें सब कुछ, सारी बिरादरियों को, जो भी गांव से जुड़े हुए लोग हैं, सबको इकट्ठा होकर हमें इन लोगों की इनकी औकात दिखानी भाई। और मैं तो वाकई बॉयकट कर दिया इनका सारों का, जो जो भी मैंने मेंशन किए हुए सबका बॉयकट है। सलमान खान का मैं दिल से कह रहा भाई, मैं बहुत बड़ा फैन था। क्यों था? ये नहीं कि वो बहुत बड़ा स्टार तो है नहीं, एक्टिंग तो उस बात थी ही नहीं, मैं तुम्हें सही बता रहा, तुम उसकी एक्टिंग दे, एक्टिंग उस पर है भी नहीं। मैं उसका फैन केवल इसलिए था क्योंकि वो गरीबों की मदद करता था। कई बार वो पर्दे पा के, चलो अच्छा आपकी लड़की पढ़ती नहीं, चलो उसके पढ़ाई के खर्च में उठा लेता हूँ, ऐसी बात, लेकिन करता कुछ नहीं बाद में वो, ऐसा मुझे पता चला, करता कुछ नहीं। सुशांत सिंह की मौत नहीं हुई, सुशांत सिंह को जो है मारने में ये कुछ चंद आदमी हैं, और इन आदमियों का हमें इनकी औकात दिखानी। तो मेरे भाइयों, सब सोशल मीडिया से विरोध करना शुरू करो, और अगर जरूरत पड़ेगी ना तो सड़कों पर भी आऊँगा सुशांत भाई के लिए, क्योंकि हमें ना एक कल्चर लेकर आना वहाँ। ये जो कल्चर है ना कि हम गांव के हैं या हमारा कोई गॉड फादर नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते बॉलीवुड में, हमें जो है इंडस्ट्री को उसकी औकात दिखानी है। और इंडस्ट्री को, और मैं जो है सारी जितनी भी हमारी करणी सेना है या जितने भी दल हैं, सबसे मेरे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, सभी एक प्लेटफॉर्म पा के इस मुद्दे पर जरूर आवाज उठावे कि उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है, उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है, उसकी मौत का जिम्मेदार पूरा बॉलीवुड है। आज जितने बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार जो है आज की डेट में, अक भाई हमें उसके साथ होना, अरे 6 महीने से वो बेचारा सोशल मीडिया पर नहीं था, जब तो किसी ने देखा अक वो बेचारा कहाँ है कहाँ नहीं, वो मर रहा जी रहा क्या हो रहा। आज सारे उसके
समर्थक बने फिर रहे, रिप रिप, इससे कुछ नहीं होने का भाई। हमें भाई को बस हमें ये देखना कि भाई ना हमारे लिए कुछ करके गया बेचारा, हम गांव जैसे लोगों के लिए, देहात से जुड़े हुए लोगों के लिए वो एक मैसेज दे के गया, एक क्रांति ला के गया, और उस भाई के लिए कुछ हमें करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल भाई, अभिषेक सिकंदर भाई देखो, ये तो मुझे पता नहीं कि उनकी जो कॉपी है, जो उनकी मूवी आएंगी उनकी कॉपियों को कैसे रिलीज करना या कैसे मतलब लीक करना उन्हें, मतलब मैं इतने उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं ऐसा कुछ कर सकूँ, लेकिन हाँ ये है कि हर संभव प्रयास करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी तरफ से हर संभव प्रयास हो भाई को न्याय दिलाने के लिए। और आगे जो आने वाले हमारे गाँव से देहात से जुड़े हुए लड़के जो बॉलीवुड तक पहुंचे बेचारे मॉडलिंग करके मेहनत करके, उनके साथ ऐसा कुछ ना हो, तो हर संभव प्रयास मेरा यो रहेगा अपनी तरफ से कि वो प्रमोट हो, गांव के लोग प्रमोट हो। ये नहीं कि मैं फलाने का लड़का, ये भाई फलाने की लड़की आ गई तो ये बहुत हिट होगी। अरे बहुत सारे ऐसे हैं जो साले हैं कुछ नहीं, केवल स्टारडम इसी चीज़ का खा रहे हैं कि वे लोग जो है बस स्टारों के बच्चे हैं। बस मेरा भाई ये छोटा सा मैसेज था, ज़्यादा लंबी वीडियो ना बना के बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि सभी भाई सुशांत सिंह राजपूत के लिए इतना काम जरूर करें, और ये सुशांत सिंह के लिए नहीं, आने वाली हमारी जनरेशन के लिए भी, वरना वहाँ कभी हमारा नंबर नहीं आने का। ये लोग हमारे पैसे से राजा बन के हमारे ही बच्चों को दबाने का कार्य कर रहे, हमारे ही बच्चों को मौत के घाट उतारने का कार्य कर रहे मेरे दोस्त। ठीक है भाइयों, सभी को मेरी राम राम, बस इस बात का ध्यान रखियो भाई।